जनपद बिजनौर में हजरत अली दिवस के जन्मदिन के अवसर पर मौलाना सादिक पहुंचे। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर मुद्दे को लेकर मीडिया के सामने बयान जारी करते हुए कहा कि मंदिर और मस्जिद कोई मसला नहीं है, मुसलमानों को इन मुद्दों से ज्यादा देश को बनाने के मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। इस पूरे विश्व में जितनी भी बड़ी मस्जिद क्यों न हो, लेकिन क्या इन मस्जिदों का निर्माण सूफी संतों ने नहीं किया? इन्हें डिक्टेटर्स ने अपने गुनाह छुपाने के लिए बनाया है। तलाक के मुद्दे पर बयान देते हुए मौलाना सादिक ने कहा कि शिया समुदाय में निकाह तो आसान है लेकिन तलाक बहुत मुश्किल। तीन तलाक के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि उनका तो 300 बार कहने पर भी तलाक नहीं हुआ। क्या किसी मीडिया ने तलाक मुद्दे को लेकर शिया समुदाय की मुस्लिम महिला को कोर्ट में देखा है और बताया कि इस मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस पर नजर बनाए हुए है? हम चाहते हैं किसी भी सूरत से जटिल समस्या का समाधान निकल आए, समाधान किसी भी सूरत से निकल आए, मगर समाधान उस वक्त निकलेगा जब गिव एंड टेक वाला उस कुछ हम झुके कुछ हो झुके। अगर हम अपने बारे में कि हमारे पास रहे आपने कहा कि आप पर तो समाधान कैसे निकलेगा, पहले दिलों में नरमी थोड़ी आना चाहिए। बाकी हमारा जो मिशन है हो सकता है बहुत से मुसलमान तो ये नरमी कैसे आए? ये नरमी उस वक्त आएगी कि जब लोग पहले अपना मनुष्य होना याद रखें, धर्म को पीछे रखें, मनुष्य होना आगे। हमको इससे कोई दिलचस्पी नहीं। हम देखिए मुसलमानों से एक ऐसी बात करना चाहते हैं जिस पर मुसलमान हमसे खफा होंगे, और जो पढ़े लिखे हिंदू हैं, पढ़े लिखे हिंदू हमारे साथ हैं, सिकुलर हिंदू हमारे साथ हैं, हम जानते हैं बड़े बड़े हिंदू हमारे साथ हैं। हमारा जो मैसेज है वो ये है, पूरी बात समझ लीजिए, उल्टा सीधा लिखिएगा, जो लोग मंदिर बना रहे हैं उनको मंदिर बनाने दीजिए, आप मंदिर के जवाब में मस्जिद न बनाइए, आप मंदिर के जवाब में देश को बनाइए। कोई मंदिर बना रहा है, मुल्ला मस्जिद बना रहे हैं और हिंदू, हमको से कोई दिलचस्पी नहीं है।